मेरा नाम फरजाना अली है, मैं खैबर पख्तूनख्वा में फर्स्ट ब्यूरो चीफ हूँ और मैं 22 साल से सहाफत के शोबे से वाबस्ता हूँ। तो तकलीफ दे था बहुत सफ़र, मैं समझती हूँ। जब औरत घर से निकल आई तो वो जैसे पब्लिक कमोडिटी बन गई है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि आपको जाते हुए हाथ लगा लिया है ना, आपको छेड़ दिया या जुमला कस दिया, हरास भी करने की कोशिश की जाती है। सना मिर्जा, मुझे लग रहा है कि आपको इन्होंने पत्थर मारा है या कोई चीज मारी है। ओबाश नौजवानों ने अब तक न्यूज की खातून रिपोर्टर के साथ बदतमीजी करते हुए धक्के दिए हैं। ये देखिए, ये है इनका एटीट्यूड, ये है। वर्क प्लेस हरासमेंट बहुत ज़्यादा है, जाहिर है आप जब तादाद में कम होंगे। जब तक मैं रिपोर्टर थी, जब तक मैं बॉस नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जब मैं ब्यूरो चीफ बन गई, उनको लगा कि शायद मैंने किसी गलत तरीके से ये पोजीशन हासिल की है, क्योंकि वो उसको मर्द बता रहा है कि तुम्हें पता है इसने तरक्की कैसे की है, इसने ऐसे 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 किया, तुमने वैसा बनना है, आइए मैं आपको बनाता हूँ। और वो फिर आपके साथ जो करता है वो सारी दुनिया को पता है। मैं अपनी फैमिली में पहली लड़की थी जिसने मीडिया ज्वाइन किया। दो मैं बचपन से अपने रिकॉल करती हूँ कि जब अनाउंसर्स होते थे टीवी पे तो आई वुड स्टैंड टीवी के सामने और मैं अनाउंस करती थी उनके लहजे में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से, मैं हूं तंसीला मजहर। सियासत की जा सकती है आसद साहब? पीटीवी मेरा मदर इंस्टीट्यूशन था, बहुत सालों से मैं पीटीवी में काम कर रही थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीर अली बेस पे। ये औरतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए थी, इनको स्कूलों में जाना चाहिए था। आप कलमा पढ़ के मुझे बहन कहते रहे। ये 2009 की बात है। मैं अपने बॉस के ऑफिस में गई, हमने एक ट्रांसमिशन की। उस ट्रांसमिशन के बाद एक मामूल था कि आप अगर कोई काम वगैरह करके जा रहे हैं तो यू जस्ट गो एंड टेल कि सर हमने ये कर लिया, वो कर लिया। एनी सर वो बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। और ही यू नो एक्सटेंडेड हिज हैंड के हाथ मिलाऊं, और मैंने हाथ जब मिलाने के लिए हाथ आगे किया, ही ग्रैब्ड मी। तो मुझे समझ नहीं आई, मुझे जो याद पड़ता है मैं ये कहती थी आप क्या करें क्या करें। सो मैंने कहा आपने मुझे हाथ लगाया, आपको नहीं लगाना चाहिए था, मैं इज्जत के लिए काम करने आती हूँ। आई वेंट टू MD एंड आई टोल्ड हिम कि मेरे साथ ये हुआ है। चंद दिन के बाद इंटरनल मैनेजमेंट की कुछ चेंजेस हुई एंड ही वॉज सेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, टू अनदर बिल्डिंग। आई थॉट दिस स्टोरी इज गॉन नाउ। लेकिन 3 साल के बाद ही केम बैक एज माई बॉस। पहली बात आके ये की कि मेरा प्रोग्राम बंद कर दिया। वो एक जो मैंने जाके कहा था कि आपने गलत किया, उसके बाद वो 3 सालों के बाद भी उनको याद था। 2016 में हमने एक फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च की, हमें PTV ने एक कमेटी बना के दी। जब हम उस कमेटी के सामने गए, वहाँ पे जो वाहिद औरत थी उसने कहा आप अगर इतने अरसे से हरासा हो रही थी आपने नौकरी क्यों नहीं छोड़ी। दैट वॉज द पॉइंट वेन आई took this fight to social media. Criminal defamation का केस है मेरे खिलाफ 4 साल से, लेकिन वो केस का मकसद सिर्फ हमें पनिश करना था। एक पनिशमेंट के आप बोले क्यों, वो ना के बाद जो मुझे जिस तरीके के इन्वायरमेंट से गुजरना पड़ा और मुझे सालों सफ़र करना पड़ा कि ज़ाहिर है मैं जॉबलेस हो गई, हमने प्रोटेस्ट में रिज़ाइन कर दिया, मेरा इमेज बहुत हर्ट हुआ, मेरी रेपुटेशन एट स्टेक आई, मेरे खिलाफ कैंपेन्स चली, सब चीज़ें इन्होंने ट्राई की बीच में से चुप करवाने के लिए। उसमें जो मैंने पर्सनल प्राइस पे की है मैं उस पर रिग्रेट नहीं करती हूँ।
जब मैं छोटी थी तो हमारे एक कार्टून हुआ करते थे अबाउट सुपरमैन, जो खातून थी सुपरमैन के साथ, शी वॉज अ जर्नलिस्ट. सो ये पैशन जो है कहीं ना कहीं दिमाग में बचपन से चल रहा था. सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ की इलेक्शन हो जाए तो ओपोजिशन की जानिब से जो अब ये कहा गया कि वो, कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से बैकलैश का सामना भी करना पड़ सकता है. इनके गाली है, इन पर तेजाब डाल देना चाहिए, इनके मुंह पर थूकना चाहिए. बेगैरत की बच्ची एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है लोगों के लिए कि ये औरत है और ये टीवी पे आ रही है. लोग देखते हैं, बात करते हैं, साथ आपके हो सकते हैं सेल्फी भी बना लें, लेकिन इसको इनकरेज नहीं किया जाता. ये BBC उर्दू सर्विस है, फरहत जावेद से खबरें सुनिए. इतना बुरा फील होता है कि आप औरत हो, आप भी वही बुलेटिन बता रही हो, आपके साथ एक मेल कोलीग है, वो भी वही बुलेटिन बता रहा है, लेकिन जो मेल कोलीग है उधर आप कमेंट्स लोगों के देखें तो वो उस खबर के बारे में बात कर रहे हैं. औरत खड़ी है तो तुमने गैर इस्लामी कपड़े पहने हुए हैं, तुम काफर हो, तुम अमरीकी हो, तुम फ्लांकी एजेंट हो, तुम फ्लांकी एजेंट हो. बहुत सारी गालियाँ ऐसी थी जिन्हें मुझे उनके मतलब नहीं पता थे, एंड आई हैड टू चेक कि इस गाली का मतलब क्या है जो मुझे दी जा रही है. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपका एक दुश्मन है एंड यू डोंट नो कि वो कहाँ है और वो कौन है, बट योर एनिमी नोज कि आप कौन हो और आप कहाँ हो. यूट्यूब पे आएंगे लोग, तुम बिल्कुल खुसरा लग रही हो. आई रिमेंबर एक किसी ने बोला तुम्हारा तो कोई रेप भी ना करे, यू नो, इस किस्म के कि आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो. जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि आपके लिए ये चीज़ें नॉर्मल होने लग जाती हैं. मुझे पहली बार किसी ने कोई घटिया गाली दी तो पहली बार मुझे बहुत गुस्सा आएगा, मुझे पहली बार रेप का थ्रेट मिला मुझे बहुत गुस्सा आया, जब मुझे दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार वही चीज़ मैंने देखी तो आई स्टार्टेड इग्नोरिंग इट, जो कि डेंजरस है. जब इस तरह की आपकी बुलिंग हो रही है तो आपकी मेंटल हेल्थ मुतासर हो रही है, और जब आपकी मेंटल हेल्थ मुतासर हो रही है आपका जो पूरा काम है वो मुतासर होता है. तकलीफ दे था बहुत सफ़र, इतनी ज़्यादा मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन मेरी कामयाबी है. मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि औरत को खामोश कैसे कराना है, उसकी करेक्टर एसेसिनेशन करते हो वो फिर भी नहीं रुकती, आप उसकी राह में रोड़े अटकाते हो वो फिर भी नहीं रुकती. फिर क्या हुआ, हमने देखा कि कुछ केसेस हमारे सामने हैं, कुछ जर्नलिस्ट को कत्ल भी कर दिया गया, कुछ को अगवा कर लिया गया. मुझे खुशी इस चीज की है कि सारी खवातीन जो हैं वो कहते हैं कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे. दुख जरूर हुआ है, दिल में तकलीफ जरूर हुई है, आंसू जरूर निकले हैं, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी है और हिम्मत आप तोड़ भी नहीं सकते.